हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो दिवाली की सफाई शुरू हो गई है, ये मैंने पहले ही कर ली थी लेकिन वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ। पूरा क्लीन हो गया है घर, बस आपके साथ होम टूर शेयर करूँगी। तो देखिए मैं किस तरीके से अपने घर की सफाई कर, कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आप अपने घर की सफाई में यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी क्लीनिंग को और इजी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए पहले आप अपने सोफ़ा कवर को ऐसे जो भी चद्दर है उनसे कवर कर लीजिए ताकि इनके ऊपर मिट्टी ना जाए, धूल मिट्टी, और ये गंदे ना हो। और जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर है वो सब निकाल के रख लीजिए ताकि उनको धोने और वो पहले की तरह नए हो जाए। और पर्दे भी हटा दीजिए क्योंकि क्लीनिंग का क्या मतलब है, पूरी तरीके से दिवाली की क्लीनिंग का क्या मतलब है कि एक एक कोना अच्छे से साफ करना। तो यहाँ मैं सोफे के को ऐसे चादरों से ढक रही हूँ और शौर्य और पूर्णिमा मेरी हेल्प कर रहे हैं और साथ के साथ हमारी मस्ती भी चल रही है। तो ऐसे मस्ती करते करते हमारे कब काम हो गया हमें पता भी नहीं चला। ये दीदी, ये मम्मा, दोनों ने ये बिछा दिया चद्दर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप दोनों मेरे साथ सोच रहे साथ के साथ वॉशिंग का काम भी कर ले। तो यहाँ मैं कपड़े सेपरेट कर रही हूँ, जो पतले वाले कपड़े हैं वो अलग से, वाइट कपड़े अलग से, ताकि वॉशिंग मशीन में डाल के यहाँ वॉशिंग का काम भी हो जाए, साथ बाई साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो एक ये भैया हैं तेजपाल भैया, जिन्हें मैं अपने घर की सफाई के लिए बुलाती हूँ क्योंकि मेरा हाथ टूट गया था। तब से मैं बहुत रिस्क नहीं लेती हूँ किसी चीज़ के ऊपर छटने का क्योंकि मेरे काफ़ी ऑपरेशन हुए थे। तो ये भैया काफ़ी अच्छे से सफाई करते हैं, ये सारे जाले निकाल रहे हैं झाड़ू से और टाइलों को भी साबुन के पानी से और सूखे कपड़े से साफ करेंगे। इससे ईद का टाइलें बिल्कुल चमक जाएगी। और भैया बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से सफाई करते हैं तो मुझे इनका काम पसंद आता है। यहाँ मैंने यहाँ किचन के रैक के मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं ताकि उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर सकें और जो धोने वाले बर्तन हैं उन्हें धो सके। तो ये देखिए सारे आर्टिफिशियल फ्लावर भी मैंने निकाल लिए, एक जगह रख लिए हैं और भी घर के इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ रैक पूरा साफ कर लिया है, मतलब सारे बर्तन उसमें से निकाल दिए हैं ताकि इसे क्लीन कर सके। दाल वगैरह के डिब्बे और ऊपर कवर में मैं पहले ही साफ कर चुकी थी। और साथ के साथ बच्चों ने लैपी में सॉन्ग भी चला रखे, कोलाबरी का सॉन्ग सुन रहे हैं ये देखिए, ताकि काम अच्छे से इंजॉयमेंट करते हुए हो जाए, वो बोझ नहीं लगेगा। तेज बार भैया कमरा साफ हो गया, टाइलों के ऊपर भी वो गीला कपड़ा मारेंगे सर्फ वाला, और मैट्रेस के ऊपर मैंने बेडशीट बिछाने के लिए कहा था ताकि मेरा मैट्रेस ज़्यादा गंदा ना हो, तो इसे ही क्लीन रहेगा और टाइलें भी चमक जाएंगी। और यहाँ पूर्णिमा का अलग ही फोटो शूट चल रहा है, दोनों भाई बहनों का कैमरा लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए हम ही सारी सफाई कर रहे हैं तो ये इन दोनों का अलग ही चल रहा है। ये देखिए पूर्णिमा लंबा वाला झाड़ू लेके एक एक दोनों लगे पड़े हैं क्योंकि अब इनको तो इंजॉयमेंट मिल गया है ना। लेकिन मैं मना नहीं करती, कोई बात नहीं, करने दो, घर में तो है मेरे सामने, कोई चीज़ ख़राब नहीं कर रहे। क्योंकि अभी भैया अंदर वाला रूम साफ़ कर रहे हैं, फिर बाद में हम ये अपना ड्राइंग रूम साफ़ करेंगे। अभी पूर्णिमा जाले निकाल रही है, कह रही है मैं निकाल देती हूँ जब तक। बच्चों वाला रूम भैया पहले ही साफ़ कर चुके हैं, ये वाला जो आपको पूर्णिमा के साइड में नज़र आ रहा है। और यहाँ मैं लंबे वाले जो सीलिंग झाड़ू होता है उससे पूरे जाले निकाल रही हूँ। और आप भी अगर किसी चीज़ के ऊपर चढ़ नहीं सकते हो और वीक में एक दिन भी मैं इस झाड़ू से सारे जाले निकाल लेती हूँ जिससे मेरा घर क्लीन रहता है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक टिप है आपके लिए। और मैंने भैया से कहा है कि ये लड़िया भी निकाल के दे दो ताकि मैं ये लड़िया और आर्टिफिशियल फ्लावर सारे धो दूँ और ये पहले की तरह चमक जाए। मैं किसी सीढ़ी या स्टूल पर चढ़ने का रिस्क नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरा हाथ एक बार ही टूट चुका है और मुझे काफ़ी ऑपरेशन हुआ है और मैंने काफ़ी सीखा है। यहाँ सारी मैं रैक के बर्तन साफ कर रही हूँ। भैया मुझे बता रहे हैं कि ज़्यादा गंदा है नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हम लोग करते रहते हैं। मैंने सारे जो दाले वगैरह के डिब्बे हैं वो पहले ही धो के रख दिए थे। और यहाँ मैं ये किचन की साइड की टाइलें धो रही हूँ, ये देख लीजिए। वैसे तो मैं पूरा सर्फ और पानी धो रही थी लेकिन इसके नीचे लकड़ी का है तो मैं इसको सिर्फ पोछूंगी। और यहाँ देखिए मेरे यहाँ दाना हो रखा है दीवार पर, जो हल्का दाना होता है, तो भैया उसे कपड़े से साफ कर। दोनों रूम अच्छे से क्लियर हो गए हैं और हम डाइनिंग रूम साफ कर रहे हैं।
मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आपसे जितना होता है उतना ही करिए। मैं एक बार ये सफाई के चक्कर में अपना हाथ तुड़वा चुकी हूँ, तो प्लीज़ केयरफुल रहिए अपने लिए भी, ताकि आपको कोई चोट ना लगे। किचन के सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, वो अभी सूख रहे हैं क्योंकि भैया अभी रैक को धोएंगे। और यहाँ पे मैं हमारे जो हॉल में यानी कि डाइनिंग रूम में जो लगा हुआ है शोकेस, उसको क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। तो इसमें ज़्यादा कोई सामान है नहीं, यहाँ पे थोड़ा भगवान का सामान रखा है, पूजा वगैरह का, और बाकी मैं बच्चों के शोपीस और शोकेस में थोड़े से शोपीस और बच्चों के थोड़े टॉयज रखे हैं। और ये देखिए मेरे, तो अब मैं सारे आर्टिफिशियल फ्लावर लड़िया धो लेती हूँ। यहाँ मैंने पानी में सर्फ घोल दिया है, आपने सर्फ मिला लिया है। अब इसमें आप ऐसे बेकिंग सोडा डाल लीजिए, वही है जो हम घर में खाने के लिए यूज करते हैं। इनसे आपके इन सारे जो फ्लावर्स वगैरह है और जो भी आपके डेकोरेटिव आइटम है उसमें चमक आ जाएगी। अच्छे से फैला लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कि इनको तो मैं साथ के साथ धो के निकाल लूँगी, बाकी इन फ्लावर को मैं थोड़ी देर के लिए इसमें डिप करके छोड़ दूँगी और बाद में निकाल के सुखा दूँगी, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे नए जैसे। इनके ऊपर भी जो ये मेरे किचन में लग रहे थे ये सब साफ हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से। दोस्तों ये लड़िया मैंने खुद बनाई थी, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूंगी। और ये बहुत सुंदर लगती है, मेरे घर में लगी हुई। भैया आप सैंडेलियर साफ कर रहे हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से बारीकी से कपड़े से जो भी इसके अंदर धूल मिट्टी है उसे सारा निकाल देंगे और ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये मेरे घर के मैचिंग से लगा हुआ है ऑरेंज ऑरेंज। मोटा भाई अभी फ्लावर्स निकाल रहा है, अब अंदर में आरती हो रही है, ये देखिए इनको गीला हो रहा है, फ्लावर को भीगे हुए कम से कम एक डेढ़ घंटा हो गया है, तो पूर्णिमा उन्हें निकाल दी है साफ पानी में से, और यहाँ इन दोनों की मस्ती भी चल रही है साथ के साथ। ये रहा मोटा भाई, मोटा भाई अपने हाथों में किसी को फ्लावर गिफ्ट करने जा रहा है मोटा भाई। कम से कम दो तीन बार ही साफ पानी में से इन फ्लावर्स को निकालेंगे तो ये पहले की तरह चमकेंगे। आप ही जाती हैं, हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे बच्चों की मस्ती पसंद आ रही होगी। ये बच्चे ही तो होते हैं जो घर में एक अच्छी सी खुशी बनाए रखते हैं, जिनसे घर हमेशा चहकता महकता रहता है, इनकी हंसी से हमेशा गूंजता रहता है। और बच्चे तो हमेशा मतलब घर में खुशियां लाते हैं, खुशियां बटोरते हैं और खुशियां बरसाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चों के साथ ऐसे इंजॉयमेंट करते हुए काम करना। तो अगर आपको भी मेरे बच्चों की मस्ती पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। और ये दीदी की तरफ से मैं लेकिन पिंक कलर कर लूंगा, लीजिए आप लोगों की तरफ, आपके लिए मेरी तरफ से। इनका तो रंग ही निकल गया, ये कोई रंग से तहसील हो गए हैं दीदी, सूख चुके हैं रंग वाला पसीना आ गया है। ऑन माय हेड पानी में से निकल सके। वन बाय वन दीदी स्लो मोशन, स्लो मोशन से उनको इतना कष्ट मत दो। ओह तुझे बड़ा सॉरी फील हो रहा है तुझे? यस, ज्यादा भावना नहीं चल रही थी तुझे? ही आल्सो लिविंग थिंग। ओह आर्टिफिशियल प्लांट कब से लिविंग हो गए भाई? मैंने बना दिया ना, उनमें भी जान होती है। ओह माय गॉड।
घर पूरी तरह से क्लीन हो गया है दोस्तों। मैं जितना शूट कर सकती थी मैंने शूट कर लिया है। यहाँ मेरे हस्बैंड अब दूसरे वाले पर्दे लगा रहे हैं, पहले लाल वाले लगे हुए थे, अब ये वाइट वाले लग रहे हैं और मुझे मेरे घर के पर्दे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पूरा क्लीन घर और जो होम टूर है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। और कोई भी आपका सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।